स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 7 एक्सरसाइज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लगाने से पहले पहला काम हमारा है पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है बराबर होने चाहिए। यहाँ पॉइंट के बाद एक है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ पर तीन है। हमें पॉइंट के बाद इक्वल करना है, यानी कि पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर होने चाहिए, तीन। अब तो तीन बनाने के लिए पीछे जीरो लगा देंगे, यहाँ पर दो है तीन बनाने के लिए एक जीरो लगाएंगे, यहाँ दो है तो तीन बनाने के लिए एक जीरो लगाएंगे, और तीन बनाने के लिए कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि तीन है। और यहाँ पॉइंट से पहले क्या है, 186। अब देखो यहाँ पॉइंट से पहले 186, लेकिन पॉइंट से पहले 186 तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है टू, यहाँ पे क्या है फोर, तो यहाँ पे टू और फोर की कंपेयर करेंगे। ये भी 168 है, ये भी 168 है, लेकिन यहाँ पॉइंट के पहले क्या है टू और यहाँ पे क्या है जीरो। तो अब यहाँ पे टू है, यहाँ पे जीरो है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो छोटा लिखना है। तो छोटा कौन हुआ, जीरो हुआ ना, तो पहले ये आएगा 168.04। इससे बड़ा कौन सा आएगा, टू वाला 168.243। अब इससे बड़ा 186 है दोनों, लेकिन यहाँ 186 के बाद क्या है टू, यहाँ क्या है फोर, तो बड़ा छोटा कौन होता है 186.45 जीरो। ठीक है, इसी वजह से हम इसका सेकंड करेंगे 9.9। पहले हम इसको किस में लिखेंगे, लाइक डेसिमल में, लाइक डेसिमल में जब लिखेंगे तो पॉइंट के बाद तीन, दो दो तीन, तो पहले तीन बनाओ, इसको भी तीन बना दो, इसको भी तीन बना दो, ये ऑलरेडी तीन है ही। अब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे 9999 सेम। अब यहाँ पॉइंट के बाद क्या है नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। अगर अब यहाँ पे भी जीरो जीरो आ गया तो दूसरा डिजिट कंपेयर करो, यहाँ पे क्या है नाइन, यहाँ पे क्या है जीरो, तो नाइन बड़ा है जीरो से, तो ये छोटा हुआ, तो 9.009, फिर इससे बड़ा 9.090। अब यहाँ पॉइंट के बाद नाइन, यहाँ भी पॉइंट के बाद नाइन, यहाँ पॉइंट के बाद नाइन, दोबारा नाइन, लेकिन यहाँ पे क्या है थर्ड डिजिट में नाइन, यहाँ पे क्या है जीरो, तो छोटा कौन हुआ ये वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इनका मिक्स सिम लाइक डेसिमल नंबर लेंगे, या पॉइंट के बाद एक दो, एक दो, तो पॉइंट के बाद दो बनाएंगे, इसके पीछे जीरो लगा देंगे, यहाँ पे दो है ही, यहाँ भी एक जीरो लगा देंगे, यहाँ भी। अब इसको हमें कौन से डेसिमल में बदलना है, लाइक डेसिमल में बदल दिया। अब हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखाना है, यहाँ 75, यहाँ 74, यहाँ 74, यहाँ 75। अब ये 74 इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 74 के बाद क्या है 8, यहाँ पे क्या है 7, 8 बड़ा है 7 से, तो छोटा बड़ा कौन हुआ ये, और यहाँ पे भी 75, यहाँ पे भी 75, लेकिन यहाँ पे बड़ा है क्या है 4, और यहाँ पे क्या है जीरो, तो बड़ा कौन है। अब हमें बड़ा वाला नंबर लिखना है, तो बड़ा कौन है 75, 75 में बड़ा कौन है 75.40, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे 75.40 ग्रेटर दैन 75.09 ग्रेटर दैन। अब यहाँ पे कौन सा वाला आएगा 8 वाला, 74.82 ग्रेटर दैन 74.70 आंसर। इससे इसका बी पार्ट करेंगे, अब देखो बी पार्ट के लिए भी इसमें पॉइंट के बाद बराबर करने की जरूरत नहीं है, बराबर ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 42, 28, 28, 52, बड़ा कौन है 52, तो डायरेक्ट 52 को बड़ा लिख दिया। अब इससे छोटा 42, अब यहाँ पे 28, 28, तो यहाँ पे बड़ा कौन है 7, यहाँ पे क्या है 3, तो बड़ा कौन है 7, तो कौन सा बड़ा होगा 28.72 और 28.34। सो लव एक्सरसाइज 1 कम्प्लीट।